सो शिकंजे च बिश्नोई खोलेगा कई राज, किड़े राज होणगे इह तां आउण वाला समां दसेगा, पर फिलहाल जो गतिविधियां दा केंद्र है सीआईए स्टाफ मोहाली दा दफ्तर, खरड दा ओ दफ्तर जिथे हर कोई इस वेले मौजूद है, सारियां निगाहां टिकियां होईयां ने उत्थे ही मौजूद ने साडे सहयोगी गुरप्रीत लगातार साडे नाल बने होए ने, हर जानकारी हर तस्वीर साडे तक पहुंचदी कर रहे ने क्योंकि इसे दरवाजे दे अंदर है पंजाब दा मोस्ट वांटेड लॉरेंस बिश्नोई। गुरप्रीत जी लगातार साडे नाल जानकारी दी सांझ पा रहे ने, हर चीज साडे तक पहुंचदी कर रहे ने। गुरप्रीत जी फिलहाल तमाम चीजा उस गेट दे पिछे हो रही ने, जाहिर है कि आने वाले समय दे विच एक प्रोसेस राही ही तमाम चीजा या किसी प्रेस ब्रीफिंग राही या प्रेस कॉन्फ्रेंस राही तमाम चीजा सामने रखिया जाएगी कि पुछ पड़ताल दे विच की कुछ होया, पर फिलहाल कोई जानकारी सोर्सिस मुताबिक मिल रही है। देखो फिलहाल अमृता यही है कि गड्डी अंदर लगी है लॉरेंस नूं, उस तो बाद टॉवल दे नाल उहदा मूंह ढकिया होया सी, अंदर लिआंदा गया, उस तो बाद जिहड़ी इंटरोगेशन हैगी फिलहाल लॉरेंस की वो शुरू होण वाली है जिहड़ी सूत्रां दे मुताबिक जानकारी मिली है। फिलहाल ये है कि अज दा दिन है जिहड़ा वो लॉरेंस तो इकल्ले दे विच पुछगिछ है, जिहड़ी इत्थों सीआईए स्टाफ दा जिहड़ा दफ्तर है खरड़ दा उत्थे पुलिस करेगी, उस तो बाद जिहड़ी सारे बयान ने लॉरेंस दे वो रिकॉर्ड किए जाणगे इकल्ले दे कि इस पूरे मामले दे विच किवें इस पूरे मामले नूं जा ये पूरा नैटवर्क है जिहड़ा जेल दे विचों किवें चला रहा सी लॉरेंस, उस तो बाद सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा कतल कांड हैगा उहदे संबंध दे विच जिहड़े बयान लॉरेंस दे रहा है वो रिकॉर्ड किए जाणगे, ते बाकियां ने जिहड़े बयान दित्ते ने कि वो किवें इनवॉल्व सीगे लॉरेंस उन्हां दे नाल किवें कनैक्टड सीगा ये सारियां जिहड़ियां ने तुहानू याद होएगा लॉरेंस दा भाणजा सचिन बिश्नोई उन्हें कहा सी कि असी बदला लिया और मैं खुद अपने हाथ नाल गोली मारी है, ये उन्हें दावा किया सी। ये जिहड़े तमाम चीज़ां ने सचिन बिश्नोई का सामने आना कि हाँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उहदा कतल किया सिद्धू मूसेवाले का, फिर ये जिहड़े लोग फड़े गए ने हुण तक केशव चेतन मनप्रीत मन्ना मनप्रीत भाऊ सारज मिंटू संदीप केकड़ा प्रभजीत पब्बी ये लोग किवें इनवॉल्व सीगे, हरियाणे दे विचों कुछ गिरफ्तारियां नसीब दी गिरफ्तारी हुई है, एक दो होर गिरफ्तारियां हुई, ये सारे लोग ने जिहड़े ये किवें कनैक्टड सी कि लॉरेंस दे नाल कनैक्टड सी इन्हां दे बयान हैगे जिहड़े वो पुलिस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी है, हुण लॉरेंस दे बयान हैगे जिहड़े अज्ज उह रिकॉर्ड किए जाणगे सारे, इंटरोगेशन पंजाब दे वो पुलिस अधिकारी कर रहे ने जिहड़े हाईली कॉम्पिटेंट ने इस तरह के मामलों के ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट एक बनाई सी पंजाब पुलिस के वलों पंजाब सरकार के वलों कि जिहड़े इस तरह के संगठित रूप दे विच क्राइम हुंदा है पूरा प्लैन करके जिहड़े क्राइम हुंदे हैगे उहदे जिहड़े ऑफिसर्स ने गुरमीत सिंह चौहान ने गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने ये जिहड़े हाईली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स ने जां फिर एसटीएफ दे जिहड़े ऑफिसर्स ने ये सारे टॉप दे जिहड़े ऑफिशियल्स ने उन्हां नूं ही हुण जिहड़ी इजाजत है जां उन्हां कोल ही परमिशन है जां उन्हां कोल ही ये पावर है कि वह लॉरेंस दे आले दुआले रहणगे, बाकी जिहड़ा कोई भी शख्स है वह लॉरेंस दे आले दुआले नहीं जा सकेगा, यही जिहड़े हाईली कॉम्पिटेंट ते हाई रैंक दे जिहड़े ऑफिशियल्स ने ये पुछगिछ जिहड़ी हैगी वह करनगे इस पूरे मामले तो पर्दा चुकण दे लई पुलिस हैगी जिहड़ी कोशिश करेगी। सो सीआईए स्टाफ दे विच अज यही संभावना जताई जा रही है कि अज लॉरेंस तो पुछ पड़ताल होएगी, उस तो बाद फिर आमो सामने बिठा के जिहड़े हैगे वो सवाल किए जाने हैं, जिहड़े बाकी दे लोग हुण तक फड़े गए हैं उन्हां दे बयान मैच करते हैं नहीं करते कित्थे कोई कौन झूठ बोल रहा है, ये सारिया चीज़ा फिर पुलिस इस तरीके दे नाल खंगालदी हैगी, एक एक लीड हैगी जिहड़ी उत्थों फड़ी जाती है कि इस बंदे ने किन्ने वजे का टाइम दस रहा है ये किन्ने वजे का टाइम दस रहा है, ये सारे मिनट टू मिनट जिहड़ियां डिटेल्स ने वो पुलिस नोट करेगी, वो फिर उस आधार पर दोवां धिरां दे जिहड़े बयान ने वो रलाए जाणगे, फिर आमो सामने बिठा के पुछगिछ होएगी अगले जिहड़े सत्त दिन हैगे। फिलहाल गतिविधियां दा केंद्र है जिहड़ा इह सीआईए दफ्तर ही रहेगा ते इत्थे ही जिहड़ी है लॉरेंस दी पुछगिछ होएगी, उस तो अगे जिहड़ा हुण सत्त दिन दा पुलिस रिमांड है उस तो बाद फिर इन्हां इंटरोगेशन्स दे विचों की निकलता फिर ये अगे केस हैगा जिहड़ा कोई रुख अख्तियार करेगा कि किस तरीके दे नाल प्लैन होया सी कौन कौन इहदे विच शामिल है और किवें सारी कार्रवाई नूं फिर अंजाम दिता गया। जी अमृता
बिल्कुल जाहिर तौर पर जिथे इस मामले दे नाल जुड़े तमाम तार हुण खुलदे हुए नजर आउणगे, तमाम परतां खुलदियां नजर आउणगियां, उत्थे ही होरना कई मामलों दे विच पंजाब दे विच किस तरह समाजिक तत् काम कर रहे ने, किस तरह इन्हां दे लिंकअप्स ने, किस तरह लगातार जो पाकिस्तान का जिक्र आउंदा है वह डिवेलप होया, ते अगे कित्थे तक वह पहुंचया होया है, किदां हथियारां की सप्लाई हो रही है, ये लोग कित्थों तक उस दे विच शामिल ने, पंजाब दे विच अशांत माहौल पैदा करन दे लई किहड़ियां किहड़ियां ताकतां ने जो पंजाब दे विच सरगर्म ने, ते इन्हां नूं उस बारे नॉलेज है, ये तमाम चीजा भी गुरप्रीत जी हुण सामने आउणगियां। ना सिर्फ एक केस बल्कि कई होर मामलों दे विच भी पुलिस नूं इस गिरफ्तारी दे नाल सहारा मिल सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली देखो अमृता, ये अपने आप दे विच पंजाब पुलिस नू भी पता है इस मामले की सेंसिटिविटी की है। ये सिर्फ सिद्धू मूसेवाले का कतल कांड है जिहड़ा, ये उत्थों तक नहीं, इनू ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दे विच पुलिस भी देख रही है। ये जिहड़ियां असॉल्ट राइफल्स आ रही ने ये कित्थों आ रही ने, जिहड़ा रिंदा संधु गैंगस्टर सीगा जिहड़ा बाद दे विच कहा जा रहा है कि हुण टेररिस्ट टर्न हो गया, वो पाकिस्तान दे विच बैठा है, वो क्योंकि सारयां दे नाल इंटरकनैक्टड सी, सारयां दे नाल उहदे लिंक सीगे, तां की ISI दे इशारे ते जिहड़ा रिंदा संधु है वह तो नहीं कितने हथियारों की सप्लाई कर रहा, कि उधरों इस तरीके दे नाल जिहड़ी मुल्क की दुश्मन एजेंसी ISI है पाकिस्तान की, कितने उहदे नाल तां नहीं ये लोग मिल गए, उधरों हथियार आ रहे हैं कि बॉर्डर पार तो हथियार आ रहे हैं, या फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दे नाल इस तरीके दे नाल विचकार दा कोई लिंक है। रिंदा संधु के खिलाफ फिलहाल हालांकि रैड कॉर्नर नोटिस है जिहड़ा वो CBI दे वल्लों जारी किया गया, गोल्डी बराड के खिलाफ भी रैड कॉर्नर नोटिस जारी है, पर पाकिस्तान दे विच्चों रिंदा संधु की सुपुरदगी जां एक्सट्राडिशन होनी जां हवालगी होनी इंपॉसिबल है, वो मुश्किल लगता, पर फिर भी जे लोग उधर बैठे आ, जे रिंदा संधु इस तरीके दे नाल उत्थे बैठा है, तो की वो इन्हां दी हैल्प कर रहे हैं, किवें कर रहे हैं, ये सारे सवाल ने गे जिहड़े सामने आउणगे, और की ये लोग हुण ना सिर्फ जिहड़ियां बदमाशियां तो निकल के टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनस दे नाल अतवादी संगठनों दे नाल इन्हां दे लिंक हो गए ने, ये बहुत सारे सवाल ने। सेंसिटिविटी है जिहड़ी इस पूरे मैटर की वो बहुत ज़्यादा हैगी, सो इसे नूं लैके पंजाब पुलिस के वलों जिहड़े हाईली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स ने, हाई ऑफिशियल्स ने, वो इस पूरे मामले दे विच लगाए गए ने, ताकि इस पूरे जिहड़ा मक्कड़ जाल जिहड़ा फैलदा जा रहा हैगा इन्हां दा, स्टेट टू स्टेट हो रहा, स्टेट तो बाद फिर नेशन वाइड हो गया, पूरे भारत दे विच इन्हां दा एक नैटवर्क स्थापित हो गया, क्योंकि तुसीं इस कतल केस नूं ही जे लैके चलो तो उहदे विच भी तीन चार तरह के जिहड़े गैंग्स ने अलग अलग स्टेट्स, तो उन्होंने शमूलीयत है जी सामने आ रही है, तो यह मतलब ये है कि एक टारगेट को खत्म करने के लिए पूरे भारत के ये गैंग्स इकट्ठे हो रहे हैं, इन्हों के इस तरह के नैटवर्क बन चुके हैं, हर कोई एक दूजे को टाइम पैण ते मदद मुहैया करा रहा, जां पैसे लैके मदद मुहैया करा रहा, अपने शूटर्स भेज रहा, तो यह जो नैटवर्क है वो ऑल इंडिया लैवल पर हो चुका है, फिर सिक्योरिटी नूं थ्रैट सिर्फ पंजाब दी नूं जां पंजाब दे कुछ लोकां नूं नहीं है, फिर थ्रैट ऑल ओवर इंडिया है इस तरह का, तो कि इन्नी सेंसिटिविटी इस पूरे मामले की हैगी है, ये सारे तत्थ है जिहड़े खंगालण दे लई हुण अगले 7 दिन है जिहड़ी लॉरेंस तो जिहड़ी इंटरोगेशन होनी है उहदे चों की सामने आना, वो इस पूरे केस का, और ना सिर्फ इस केस का बल्कि पंजाब की जिहड़ी अमन शांति है, मुल्क दे लई कितना थ्रैट है, ये सारे जिहड़े गैंगस्टर्स ने की इन्हां दे लिंक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दे नाल, की बाहर बैठे हुए लोग हथियार भेज रहे हैं, किवें भेज रहे हैं, ये आने वाले जिहड़े 5-6 दिन ने उन्हां दे विच तस्वीर साफ होएगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह तुसी होर स्टेट्स का ते होर स्टेट्स के गैंगस्टर्स का जिक्र किया, उत्थे लॉरेंस बिश्नोई की जो गल की जाए, ना सिर्फ पंजाब बल्कि इस दे नाल लगते तमाम वो सूबे, भावें फिर वो हरियाणा होवे, राजस्थान होवे, चंडीगढ़ होवे, इन्हां दे विच वी कई अजिहे केसिस ने जो इस दे खिलाफ दर्ज ने, ते हुण एक बार बिल दे विचों जदों बाहर निकल चुके है कि लगता है कि तमाम उन्हां स्टेट्स दी पुलिस दा वी सामना किया जा सकदा, हालांकि बहुत प्रीमच्योर होएगा यह सोचना, क्योंकि अजे पंजाब दे विच कई अजिहे केस ने, खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला केस जिस दे विच कई चीज़ां सामने आउणियां बाकी ने, पर की होरना स्टेट्स दे नाल जो जो मामले इनवॉल्व ने उस मामले दे विच वी हुण मुश्किलां लॉरेंस दीआं वध सकदियां ने। क्या जा सकता अमृता, पर फिलहाल जो सानू जानकारी मिल रही है वो मुताबिक ये है कि पंजाब पुलिस इन्ना सौखा खेड़ा नहीं छड़ूगी लॉरेंस का, हुण ये 7 दिन का रिमांड सिर्फ इस केस के लॉरेंस के होर बहुत सारे मामले हैं, सो
जिस जिवें दिल्ली पुलिस पिछले 15-20 दिन तो असी देखिया कि रिमांड ते रिमांड रिमांड ते रिमांड अलग अलग केसिस दे विच लई जा रही सी, तां इसे तरीके दे नाल लॉरेंस तो वध पुछ गिछ हैगी जिहड़ी जदों तक पुलिस सैटिस्फाई नहीं हुंदी, जदों तक पुलिस नूं नहीं लगदा कि असी उस अंतिम कड़ी तक पहुँच चुके हैं जिथों ये सारा कुछ होना शुरू होया, उदों तक पुलिस लॉरेंस का खेड़ा नहीं छड़ेगी। और बाकी स्टेट्स दियां जो पुलिस फोर्सेस ने उन्होंने चाहिए पर जो उन्होंने चाहिए होएगा लॉरेंस किसी मामले तो कोशिश जरूर करेंगे, पर फिलहाल ये है कि पंजाब पुलिस ने यह धारिया होया कि एडे सौखे तरीके दे नाल लॉरेंस नूं हुण जान नहीं देना। ये तो जिन्नियां इन्फॉर्मेशनस ने जदों तक पुलिस सैटिस्फाई नहीं होंगी, जदों तक पुलिस नूं ये नहीं लगता कि यह पूरा मामला हुण असीं हल कर लिया, उदों तक लॉरेंस नू पंजाब पुलिस कोशिश करेगी कि अपनी कस्टडी दे विच ही रखे। कहे तो पर गुरप्रीत जी, जो इस तरह के गैंगस्टर्स के उभार की गल की जाए, इन्हां दे वधे प्रभाव की गल की जाए तो किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां उस दे विच सहाई हुंदियां नजर आउंदियां ने? शायद एक तो सोशल मीडिया जिस तरह ही लगातार ये तमाम लोग इन्हां समाज विरोधी अंसरां दे टच दे विच रहिंदे ने, जेलां दे विच रहिंदिआं वी कम करदे रहिंदे ने, ते दूजा कारण जो समझ आउंदा है ओह लगातार इन्हां नूं मिल रही सपोर्ट दा समझ आउंदा है, ओह लगातार एक नाकाफी कानूनी कार्रवाई दा कारण समझ आउंदा है जो कीती नहीं गई या कीती गई तां हमेशा नाकाफी रही। बिल्कुल अमृता, ये जदों आपां इहनूं खंगालन की कोशिश करांगे तां इहदे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स ने, ये एक अद्धी चीज़ नूं आधार बना के नहीं किया जा सकता कि इस कारण गैंगस्टर पनपदे है ते इस करके इस धंधे दे विच लग जांदे है। हालांकि ये किया जाता है, बहुत सारे लोग ये तर्क दे दिंदे है कि पंजाब दे विच बेरोज़गारी है, मुंडे नशा करन लग जांदे है, उस तो बाद क्राइम दे वल वध जांदे है, पर ये एक फैक्टर नहीं किया जा सकता, ये मल्टी डायमेंशनल ने, ये सोशल प्रॉब्लम है। जे तुसीं देखो पंजाब दे विच मान लिया जाए बेरोज़गारी है, मुल्क दे विच बेरोज़गारी है, तो यह तर्क कुछ लोगों का मान लिया जाए कि गैंगस्टर इस करके पैदा होंदे, पर कैनेडा दे विच कोई वो नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, कैनेडा दे विच पंजाबियों के बहुत सारे गैंग्स बने हुए हैं, कैनेडा दे विच नीगरोज़ के गैंग ने, चाइनीज़ ने अपने गैंग बनाए हुए हैं, कैनेडा दे विच गैंग वॉर होंदियां ने, कैनेडा दे विच किन्ने जिहड़े पंजाबी मुंडे है पिछले एक डेढ़ साल दे विच गैंग वॉर दे विच वैनकूवर दियां सड़कां दे उत्ते मार दित्ते गए, सरी दियां सड़कां ते मार दित्ते गए। कैनेडा दे विच पंजाबी दे सिंगर गगन औजला जिहड़े करण औजला ने उहनां ते गोली चल जांदी, तां तुसीं इत्थों समझ सकदे हो कि इहदे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स ने, इहदे कारण वड्डे ने, इहनूं सिर्फ बेरोज़गारी नशे उहदे नाल जोड़ के ना देखिया जावे, तां इह जिहड़ियां चीज़ां ने इह सारियां खंगालन की लोड़ है कि किवें ये सब कुछ पैदा हो रहा। हाँ, जो जितों तक पंजाब की जितों तक ये जिहड़े गैंगस्टर जो पनपे है तो इन्हां दे विचों दो तीन चीज़ा, एक तो ईजी मनी, इस तो अलावा जिहड़ी पोलिटिकल पैट्रोनेज है जिहड़ी उस वक्त इन्हां नूं मिली जदों ये लोग कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे विच पढ़ रहे सी, उस वक्त किसी ने पिट ते थापी दित्ती कि कोई गल नहीं तू जो करना कर, अपनी कम्मां दे विच थोड़ा सहाई हो, असी तेरे लई नाल खड़े हैं, तो उत्थों जिहड़े हौसले वधे फिर किसे पोलिटिकल हथ करके फिर हौली हौली वधदे गए, तो ये लोग फिर इन्नी दूर निकल गए कि जिथों हुण वापसी संभव नहीं है। सो ये जिहड़े फैक्टर्स ने सारे तलाशन की लोड़ है कि इन्हां लोकां दी जिहड़ी इस राह ते जिहड़ा आगाज़ है वह किवें होया। लॉरेंस का तुहानूं याद होएगा कि लॉरेंस DAV कॉलेज दे विच पढ़दा सी, DAV कॉलेज की प्रधानगी जिहड़ी है वह लॉरेंस दे कोल सी, सोपू इत्थे एक पार्टी हुंदी सी पहलां, इस तो अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच लॉ दा स्टूडेंट रहा, तो इत्थों ही है जिहड़ा उहदा छोटियां मोटियां लड़ाइयां तो यह सफ़र हैगा जिहड़ा वह शुरू होया। पर इस छोटियां मोटियां लड़ाइयां दा सफ़र वड्डियां लड़ाइयां च किवें बदलदा गया, उहदे पिछे ये भी जिहड़ा है कहा जांदा है कि बहुत सारे कुछ इदां दे तत् सी जां कुछ इदां दे पोलिटिकल लोग सी जिन्हां ने मौके मौके ते इन्हां नूं गलत राह तो सही राह ते लियाउण दी बजाए इन्हां दी मदद कीती, और इन्हां दे गलत राह ते जदों ये चले सी तां उहनां दी पिट थापड़ी भी अगे वधो, तां उह जिहड़े फिर इन्हां दा सफ़र हैगा उह इन्ना क उस राह ते तुरदे गए इह कि हुण वापसी संभव नहीं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर वापसी भी संभव नहीं है। तो गुरप्रीत जी जे कहा जाए कि अज का ये दिन
काला दिन चढ़िया लॉरेंस बिश्नोई ले क्योंकि ओ पंजाब पुलिस जिस तो मौत दा ओ खदशा प्रगटाउंदा रहा ओ पंजाब पुलिस जिस तो बचदा रहा 2015 दा भज्या ओ बचदा ही रहा ते हमेशा इस चीज दा हवाला दिंदिया होया पंजाब पुलिस दे रिमांड नू टालिया गया कस्टडी नू गिरफ्तारी नू टालिया गया कि मैनू मार देणगे इह मेरा एनकाउंटर कर देणगे अज उसे पंजाब पुलिस दी गिरफ्त दे विच है कि इह कहा जा सकदा कि अज दा इह दिन लॉरेंस बिश्नोई दे लई वाकई ही कई तमाम मुश्किलों नूं हुण शुरुआत कर देने वाला दिन होएगा। बिल्कुल लॉरेंस दे लई आ जिहड़े 7 दिन ने जदों अज उहनूं सीजीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट मानसा दे विच पेश कीता गया हालांकि कल ट्रांजिट रिमांड मिल गया सी लॉरेंस दी धड़कणां तां उहदी वध गईआं होणगीआं पर अज जदों ही 7 दिन दा जिहड़ा पुलिस रिमांड है उह मिलिआ है तां उस तों बाद अगले जिहड़े 7 दिन है उह हुण लॉरेंस दे लई भारे ही है 7 दिन दे विच पुलिस हुण खंगालेगी हर एंगल रिड़केगी हर तरीके दे नाल कोशिश करेगी हर तरीके दे नाल लॉरेंस तो जिहड़ा सच है वह उगलवाया जाए और अगले जिहड़े 6-7 दिन ने वह डेफिनेटली लॉरेंस दे लई भारी ने और इन्हां 7 दिनों दे विच पुलिस हैगी जिहड़ी अपनी तमाम जिहड़ी जांच है उहनूं किसे नेपरे लाउण दी कोशिश करेगी जां इस जांच दे विचों 7 दिन दी जांच चों की निकलदा है फिर अगले किसे केस दे विच की लॉरेंस नूं लोड़ है इस तों ज़्यादा पुलिस रिमांड लैण ते लैण दी या नहीं है यह सारा कुछ हुण पंजाब पुलिस ने और पंजाब पुलिस दीआं जिहड़ीआं अलग अलग स्पैशल टीमां ने चाहे वह कू दी टीम AGTF है STF इस मामले दे विच बनी हुई है तो यह सारियां SIT बनी हुई है इस मामले दे विच तो यह सारियां जिहड़ीआं अलग अलग स्पैशलाइज्ड टीम्स ने वो अपने वल्लों कोशिश करनगीआं कि वध तो वध जिन्नी इनफॉर्मेशन हैगी जिहड़ी वह इकट्ठी की जाए तो ये जिहड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिहड़ा पंजाब दे विच चल रहा लगातार क्योंकि पिछले 2-3 महीने दे विच असीं ये देख चुके हाँ संदीप नंगलंबियां कबड्डी का बहुत मशहूर खिडारी कबड्डी का बहुत होनहार खिडारी वह भी कैनेडा दे विच बैठे एक शख्स के वलों नाम आया कि ओदे इशारे ते उन्हूं किसी ने शार्प शूटर्स ने जिहड़े मुहैया कराए और तुसीं देख लो कि टाली वर्गा जिहड़ा मुंडा सी टाली वर्गा जवान सी वह मिट्टी की ढेरी कर दिता गया उस तो बाद सिद्धू मूसेवाले का कतल देख लो वह मिट्टी की ढेरी च बदल दिता गया एक बेहद टैलेंटड और बेशुमार जी दे कोल हुनर सी नौजवान दे कोल वह मिट्टी का ढेर बनाता गया सो ये जिहड़ियां चीज़ां हो रही ने पंजाब पुलिस डेफिनेटली इन्हां नूं हल करन दे लई हुण पंजाब पुलिस दे कोल मौका है कि वह लॉरेंस उन्हां दे हत्थ च लॉरेंस उन्हां दी गिरफ्त दे विच अगले 7 दिन और ये तमाम जिहड़े सवाल ने वह हल किए जाण ये समस्या है बीमारी की जड़ कित्थे है वो फड़ी जाए जिवें कहिंदे हुंदे आ कि चोर नूं ना मारिया जाए चोर दी मां नूं मारिया जाए तो हुण इहदी जड़ कित्थे पहुँचती है वो जड़ फड़ी जाए उन्हूं खत्म किया जाए जी अमृत बिल्कुल गुरप्रीत जी जिथे गल लॉरेंस बिश्नोई की हो रही है उसके नाल ही अनमोल बिश्नोई जो छोटा भरा है उसका भी जिक्र आता है इन्होंने रिश्तेदार सचिन बिश्नोई का भी जिक्र आता है तो नाल ही इसके साथी इसके इस गुनाह दे विच हमसाए गोल्डी बराड़ का भी बार बार जिक्र आता है हालांकि गोल्डी बराड़ नूं भी लियाउण दे लई लगातार ही सरकारां दी आपसी गलबात जारी है पर की लगता है कि सचिन बिश्नोई अनमोल बिश्नोई इन्हों तक भी यह तार हुण जुड़ सकते हैं इन्हों की भी गिरफ्त आने वाले समय दे विच वेखण नूं मिल सकती है देखो सचिन बिश्नोई का तो पक्का ही अपने वालों दिती हुई जी मीडिया के बयान ने उन्होंने आधार से वो अरैसट बड़ी बड़ी संभव है जिस तरीके दे नाल सचिन बिश्नोई ने मीडिया के सारी गल है जी दावा किया अपने वालों ने इस गल की पुष्टि की कि असी ज लॉरेंस का जिहड़ा गैंग है गिरोह है उन्हें सिद्धू मूसेवाले का कतल किया और उस तो बाद उन्हें कहा कि मैं हाँ मैं खुद गोलियां मारियां ने सो लॉरेंस की तो एक जिहड़ी स्टेटमेंट है वह पब्लिक डोमेन दे विच ऑलरेडी हैगी आधार बना के उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आधार बना के वह जिहड़ा अरैसट है वह तो बड़ा ईजी पाया जा सकता है और जे लॉरेंस तो भी जो हम पुछगिछ होएगी तो जे सचिन बिश्नोई है जिहड़ा जे उन्हें ये किए हुए दावे वो सच्चे है तो डेफिनेटली लॉरेंस तो जो पुछगिछ होएगी तो वह भी वह नाम जरूर सामने आएगा सो ये सचिन या फिर वो भरा की इनवॉल्वमेंट है जो छोटा भरा है ओदी की इनवॉल्वमेंट है वह भी पुलिस सामने लियाउण की कोशिश करेगी रही गल गोल्डी बराड़ की तो गोल्डी बराड़ नूं लैके तुहानूं याद होना कि वो खिलाफ़ जो रैड कॉर्नर नोटिस है वह इशू हो चुका है CBI दे वल्लों इंटरपोल दे नाल जिहड़ा कॉन्टैक्ट करके रैड कॉर्नर नोटिस इशू करवाता गया सी
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਹੈ ਵਾਇਆ MHA ਤੇ MEA ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਸਪੁਰਦਗੀ ਆ ਹਵਾਲਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਅਪ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ CBI ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ।